वेलकम टू अक्रम डेयरी फार्म चैनल। हमें आज अलकापुर में और यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार थोरोब्रेड एक मेयर है, तो सारी डिटेल हम बात करेंगे भाई के पास, यानी जो ओनर है यहाँ के, इनसे सारी डिटेल लेंगे, यहाँ का एड्रेस वगैरह सब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से भाई? क्या नाम है आपका? मोइन भाई, आपके पास का एड्रेस कौन सा है? ये अलकापुर पाशा कॉलोनी हैदराबाद में, अलकापुर पाशा कॉलोनी चौरस्ते से 3-3.5 किलोमीटर रहता। अच्छा, टोली चौकी एक्स रोड से 3-3.5 किलो से भी 1.5-2 किलोमीटर। गोलकुंडा जो फोर्ट है वहाँ से सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर है। हाँ, हॉर्स राइडिंग स्टार्स आप गूगल पे मारेंगे तो भी आ जाते हैं आप। क्या नाम है आपके क्लब का? हॉर्स राइडिंग स्टार्स। ठीक है, तो अभी ये जो घोड़ा है ये घोड़ी है ना? एक्चुअली घोड़ी है, मेयर है। क्या एज है? 6-7 साल की है। और क्या हाइट पे है अभी? 65-68 एक एवरेज है, क्योंकि नापे भी नहीं है, आप लोग आके मेजरमेंट कर ले सकते हैं। और कंडीशन माशाल्लाह पूरी बॉन्ड है देखिए इसकी। अभी मेटिंग करवाया इसकी या खाली है? नहीं, ये एक्चुअली स्टड फार्म ही घोड़ी है। ओके, अपने पास करीब 1.25 साल से है। अच्छा, आपके पास 1.25 साल से है? अल्हम्दुलिल्लाह बगैर मेंटेनेंस ही घोड़ी है माशाल्लाह। स्टड फार्म में रहके तो आवाज पुकारा सिटी में कहीं भी चलती है, और ये मेरा स्कूल जो है जी स्कूल है, तो उसमें क्या छोटे बच्चे वगैरह हॉर्स राइडिंग स्टार्स एकेडमी मारे हैं, आपको तो उसके यूट्यूब चैनल पे मिल जाता है, उसमें पूरी वीडियोस देख ले सकते हैं। ओके, वेल ट्रेन्ड है वैसे ये, ट्रेन्ड है एकदम, शरीफ है। मैं क्या पूछ रहा हूं बोले तो मेरे को जंपिंग का घोड़ा लेने का है। ओके, यानी पोलो चाहिए आपको जंपिंग के लिए और दूसरे घोड़े चाहिए? नॉर्मल राइडिंग के जबरदस्त शरीफ घोड़ा है। ओके, इसी वजह से अपन बेच रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, ऑलरेडी एक बार बच्चा दी हुई दिख रही है ये। एक बार नहीं, ये जहाँ पर ब्रीडिंग होती ना उसके लिए क्या? अच्छा, ब्रीडिंग वाले स्टड फार्म पे थी तो ऑलरेडी बच्चे दी हुई है। अच्छे जी, क्योंकि थन निकले हुए देखिए इसके जो अडर होता, और चारों पैर भी एकदम साफ। राइडिंग के लिए नंबर वन है, छोटे बड़े सो क्या है। थोड़ा वॉक करा के बतलाइए आप इसको। माशाल्लाह, कुमेद कलर के अंदर है, देखिए चारों पैर साफ है इसके और वेल ट्रेन्ड है माशाल्लाह। कोई भी अगर लेंगे तो आसानी से चला सकते हैं आप लोग। कौन से घर में रहते हैं? मेरे को देख रहे हैं आप, घर की झलक भी बता दो। बिल्कुल, तो टेंशन नहीं है। अच्छा, इसी घर के अंदर है देखिए, ये जो अपार्टमेंट है इसी में ये रख रहे हैं, यानी आजू बाजू आप देख रहे हैं सारे बिल्डिंग्स वगैरह है, सारे अपार्टमेंट्स है, तो इस कॉलोनी में भी कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं है, क्योंकि आवाज़ वगैरह करने वाली नहीं है। और देवमन बहुत बड़ा है इसके अंदर, बाल भोरी की साफ है, अगर किसी को ये पॉइंट्स भी देखना है तो उससे भी क्लियर है माशाल्लाह। तो 65-68 ये एक्सपेक्टेड हाइट है, जो भी लेंगे आप लोग यहाँ पर मेजरमेंट करके बतला देंगे, लेकिन नॉर्मली 66-67 इसकी हाइट पकड़ के चल सकते हैं आप लोग। क्या प्राइस रख रहे हैं इसका आस्किंग आप? इसका 65,000 65,000 आस्किंग प्राइस है, इसमें भी नेगोशिएबल कर देंगे आप माशाल्लाह। नेक प्रोफाइल भी अच्छी है देखिए, बहुत खूबसूरत। अगर किसी को आना है आपके पास कॉल करें तो लोकेशन भिजवा देंगे आप इंशाल्लाह। चलिए, टाइटल में नंबर रहेगा, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। बहुत सारे लोग जो थोरोब्रीड के लिए देख रहे थे, आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी मेयर है और है। बिल्कुल, कलर पॉइंट्स में भी अच्छी है, हाइट में भी अच्छी है बिल्कुल। और कोई भी आए तो आप चेक करवा के भी दे देंगे आराम से ना? बिल्कुल, बहुत अच्छी माशाल्लाह, कोई परेशानी की बात नहीं। ठीक है, देखिए ट्रेन हॉर्सेस लेने में फायदा भी है आप लोगों का, क्योंकि घोड़े सताते करते नहीं। बेचने का मकसद एक ही है, परसों बच्चे को मेरा मेडल आया जी माशाल्लाह, हॉर्स राइडिंग है ना सर पोलो में। उसमें अपलोड करा था मैं जी, 6 तारीख को था जी, मेरे को घोड़ा ला लेने का है। ओके, जंपिंग घोड़ा है घर पे। ओके ओके, इसको अभी दो ही घोड़े की अपने पास कैपेसिटी है रखने की, तो बहुत अच्छी बात। चलिए, अल्लाह और तरक्की दे आपको और नाम हो आपके स्टड फार्म का भी। इसी तरह से और बहुत सारे वीडियोस बतलाऊंगा मैं आप लोगों को। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।